मुमरा शहर में मुमरा कौसा वासियों के लिए एक शानदार तरीके से पूरे बुटीक कंसेप्ट के साथ आपकी खिदमत में पेश है दी ऑप्शन, अ कंप्लीट डेनिम हब जिसकी एक ब्रांच पहले ही ठाणे शहर में बेहद पॉपुलर हो चुकी है। यहां पर आपको इंडिया के टॉप मोस्ट डोमेस्टिक लेबल ब्रांड्स मिलेंगे, वो भी रीजनेबल कीमतों में। तो एक बार जरूर पहुंचे दी ऑप्शन और देखिए, इससे बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है। हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आज हम आपको मुमरा कौसा का एक अजूबा बता रहे हैं, प्रशासन का अजूबा, पुलिस प्रशासन, ट्रैफिक पुलिस, मनपा, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? पिछले डेढ़ वर्ष से ये ट्रक किसी आपराधिक केस में जब्त किया गया है और डेढ़ वर्ष से ये यहीं खड़ा है। किस तरीके से बीच रोड पर रोड को जो है कैप्चर करते हुए ये ट्रक खड़ा है, जिसकी वजह से जो है ट्रैफिक यहाँ लगातार जाम होता है। मुमरा कौसा, वैसे भी ट्रैफिक फ्री मुमरा के नारे तो लगते हैं, लेकिन ट्रैफिक फ्री मुमरा करने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए उस पर आज तक कोई काम नहीं होता है। मगर जो ट्रैफिक के लिए रुकावट बनी हुई चीज़ें हैं, जिन्हें खुद प्रशासन ने ला करके यहाँ खड़ा किया है, वो चीज़ यानी ये ट्रक हटाने के लिए प्रशासन के पास पिछले डेढ़ वर्ष से न तो समय है न तो कोई जगह उनको मिली है। मुमरा पुलिस स्टेशन में हमने जाकर के बात की, क्राइम का रिपोर्ट रखने वाला जो विभाग है उनका कहना है कि मुद्देमाल कक्ष की पास जो है इसकी जानकारी होगी। रविवार होने की वजह से मुद्देमाल के कर्मचारी छुट्टी पर है और स्टेशन हाउस पर जो अधिकारी मौजूद थे उन्होंने कहा ट्रैफिक विभाग से हम क्रेन मंगा करके इसको जल्द से जल्द हटाने की कोशिश करेंगे। अब देखना यह है कि कितनी देरी में या कितने दिनों में या कितने सालों में ये ट्रक यहाँ से हटता है। ये देख सकते हैं आप, नीचे कचरे का ढेर है ट्रक के ये ढेर कचरे का लगता जा रहा है, लेकिन ये ट्रक हटने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं यहाँ स्क्रैप हो चुकी गाड़ी भी जो है ट्रक के नीचे है और पूरी तरीके से ये जगह घेर करके ट्रक ने जो है यहाँ पर पूरे रास्ते में ट्रैफिक जाम का जो है सिलसिला हमेशा के लिए यहाँ शुरू कर रखा है। क्या जवाब देगा प्रशासन, अब उसका इंतज़ार है। साथ ही आप देख रहे, अभी हम भारत रत्न बाबा साहेब आम्बेडकर चौक के सामने है, मुमरा पुलिस स्टेशन इसके करीब में है। रोज़ाना यहाँ पर ये कारें पार्क होती है, यहाँ पर पहली कार, दूसरी कार, अभी हमारे आने के वक्त यहाँ पर और चार पांच कारें थी, मगर वो उनमें से कुछ कारें हट गई है, ये दो कारें बची है। खुद अपनी एसआरपी की भी गाड़ी है पुलिस की। और सबसे भयानक जो है, मुमरा पुलिस स्टेशन के गेट के सामने ये रिक्शाएँ जो खड़ी रहती है, ये आनंद कोलीवाड़ा और सैफिया हॉस्पिटल का रास्ता पूरी तरीके से ये रिक्शा वाले जाम करते हैं एंड पुलिस स्टेशन के प्रवेश द्वार को लग करके दाईं बाईं तरफ का ये पूरा हाल है, ये पूरा नज़ारा है। तो मुमरा कौसा में कितना प्रशासन चुस्त है, कितना दुरुस्त है, ये इस पर से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और विकास की बातों में, ट्रैफिक फ्री मुमरा के दावों में, ये एक सच आज हमने आपके सामने रखा है। मुमरा पुलिस स्टेशन के सामने की तरफ यानी जैन मंदिर का जो मैदान है उसको लग करके डेढ़ वर्ष से एक जब्त किया हुआ ट्रक जो है वहाँ रखा हुआ है, जिसकी वजह से ट्रैफिक कैसे रुकता है, क्या दिक्कतें होती है। और मुमरा पुलिस स्टेशन के गेट को लग करके दोनों तरफ, बाईं और दाईं तरफ, रिक्शा वालों का आतंक, चार पहिया यानी कारों की पार्किंग का आतंक, इसकी पूरी जानकारी देने वाली थी आज की हमारी खबर। जल्दी हाजिर होंगे हम अपनी अगली खबर के साथ।